दोस्तों, अमर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में हरिश्चंद्र सिंह और श्रीमती शैला सिंह के घर एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएड एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की थी और आपको बता दें कि वो सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से शिक्षित हुए थे। उन्होंने 1987 में श्रीमती पंकजा कुमार सिंह से शादी कर ली और अभी उनके दो बेटियाँ भी है। उद्योगपति से राजनेता बने सिंह उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेताओं में से एक है। वे समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य 6 जनवरी 2010 को उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था और उसके बाद वो 2 फरवरी 2010 को इसके प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित भी हो गए थे। उन्होंने 2011 में न्यायिक हिरासत में कुछ समय भी बिताया था। वे आखिरकार राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और 2016 में वे समाजवादी पार्टी से फिर से जुड़ गए और राज्यसभा के लिए भी चुने गए। आपको बता दें कि अमर सिंह ने 2011 में अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच की शुरुआत की और 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 360 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि उनकी पार्टी ने इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीता और वे मार्च 2014 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हो गए। उस वर्ष फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में आम चुनाव लड़े थे। आइए बताते हैं उनके बारे में कुछ रोचक कहानी। आपको बता दें कि अमर सिंह ने फिल्म हमारा दिल आपके पास में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और निर्देशक शैलेंद्र पांडे की फिल्म जेडी में एक राजनेता की भूमिका भी निभाई थी। कला, संस्कृति, खेल, शिक्षा और दलित के उत्थान, संगीत सुनने और फिल्म देखने और किताबें पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी। आपको बता दें कि वे निदेशक इंडियन एयरलाइंस भारतीय स्टेट में राष्ट्रीय कपड़ा निगम रह भी चुके हैं। वे पहले कांग्रेस से जुड़े थे, जिला कांग्रेस कमेटी कलकत्ता के सचिव और सदस्य भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के 6 सांसदों का अपहरण कर लिया था और उन्हें उत्तर प्रदेश भवन में बंदी बना लिया था। उन्होंने जामिया नगर बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में जांच की मांग करते हुए यह विवाद खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि उन्हें 24 अगस्त 2011 को दिल्ली पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2008 में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों को रिश्वत देने के लिए भी आरोप लगाया गया था। उसके साथ साथ उनके राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बात करें तो जनवरी 2017 में से 2019 तक वे टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे और 2017 में सितंबर 2017 और मई 2019 से औद्योगिक समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और 2016 में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख के आपको अमर सिंह के बारे में जरूर पता चला रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।